है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक, इट्स मी देविका। तो आज की इस वीडियो में मैंने क्रिएट किया है ये ग्रीन कलर का ग्लिटरी आई मेकअप। आई होप आपको आज का ये लुक पसंद आए। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, सॉफ्ट है, ग्लिटरी है, तो आप डे और नाइट दोनों में क्रिएट कर सकते हैं। विंग लाइनर किया है एंड विंग लाइनर का ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी अप है मेरे चैनल के ऊपर। वीडियो की लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल होगा इसका, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पी लुइस का बेस, शेड नंबर 2 है। आईब्रोज़ को मैंने अच्छे से पहले ही कर लिया था फिल एंड या इसका भी ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं आईब्रो को कैसे फिल इन करना है। तो यहाँ पर मैंने बेस अप्लाई करके स्टिकी टेप अप्लाई कर लिया है ताकि जो हमारा आई मेकअप हो वो बहुत ही शार्प एजेस हो उसके, इसलिए। उसके बाद मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का पेट्रिशिया ब्राइट पैलेट में से ये लाइट ब्राउन शेड ले लेंगे जो मेरा ट्रांजिशन शेड होगा। एंड गुजी ब्यूटी का ब्रश है, ब्रश नंबर सब स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल मेंशन होगी, तो ज़रूर चेक करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से लेफ़्ट राइट मोशन में, ठीक है। उसके बाद ये पीच शेड लेंगे एंड उसे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन शेड के ऊपर इस तरीके से। तो अच्छे से ब्लेंड कर ले अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो मडी सा लुक हो जाएगा। हल्के हाथों से करें ब्लेंड। उसके बाद ये मोडेला शेड लिया है मैंने, डार्क ब्राउन है, जिसे मैं डायरेक्टली क्रीज पर वर्क कर रही हूँ एंड ये पैक का पीएसी का ब्रश है, इसका भी स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इस लुक को थोड़ा सा डीपन अप करने के लिए क्रीज को मैं इस शेड को यूज़ की हूँ एंड देन इसे हम बफ आउट कर देंगे अच्छे से सर्कुलर मोशन में ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जो हमने पहले शेड अप्लाई किया था उसके साथ इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अगेन थोड़ा सा इस शेड को डीपन अप कर रही हूँ, वही मोडेली करके डार्क ब्राउन शेड लिया है मैंने, इसको मैंने अप्लाई किया है टैप टैप देन ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ऑरेंज जो पीच शेड नेम लिखा था वही लिया है एंड उस शेड के साथ उससे सर्कुलर मोशन में हम ब्लेंड कर लेंगे। एंड ये भी पीएसी का ही ब्रश है, स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएंगी। देन क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर ले हार्श एजेस। उसके बाद क्रीज को मैं कट कर रही हूँ, मैंने वही पी लुइस का बेस लिया है एंड स्लोली स्लोली हम क्रीज को कट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद मैं वही डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, आउटर कॉर्नर ऑफ वी पे इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद ये नो एग्जिस्ट शेड अप्लाई करने के बाद मिस्ड कॉल शेड को हम अप्लाई कर लेंगे। कंसीलर को सेट नहीं करना है, वो जो स्टिकीनेस है उसी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। देन वही शेड से मैं ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे, सब सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। सेलो टेप को अप्लाई जो किया था वो रिमूव करके मैं एजेस को क्लीन कर रही हूँ कंसीलर के हेल्प से एंड बफ आउट कर देंगे। देन मैं विंग लाइनर अप्लाई कर ली हूँ एंड वाइट काजल लिया है मैंने, कीको मिलानी का वाइट काजल। देन मस्कारा अप्लाई कर लेंगे, ये मेबलिन कोलोसल का मस्कारा है, दोनों अपर एंड लोअर। मस्कारा अप्लाई करने से पहले अपने आई लैशेस को कर्ल कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद ये सिल्वर ग्लिटर लेंगे, ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर है, मिडनाइट पैलेट ग्लिटर है, हल्का हल्का सा अप्लाई किया है, दैट्स इट। उसके बाद हेना की लैशेज है शीज़ा में, इस तरीके से दिखती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैशेज है, नेचुरल है। 25-30 टाइम्स आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इतनी अच्छी लैशेस है एंड सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगर आपको परचेज करना है एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है पसंद आया हो, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड कॉमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा है। एंड अगर आप इस लुक को रिक्रिएट कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना, और फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पर अभी जाके फॉलो कर ले, लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।